हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में हम ले लेंगे 2 से 3 चम्मच बटर, साथ ही में लेंगे 2 से 3 चम्मच घी, इसे गरम कर लेंगे और हो सके तो आप प्लीज़ इसे घी और ये बटर के कॉम्बिनेशन में ही बनाइए। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। लेकिन किसी वजह से आप ये अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। हमारा घी और बटर जैसे ही ये गरम हो जाता है उसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मटन जो ऑलरेडी धोकर के साफ करके रखा हुआ है मैंने। ये 750 ग्राम यानी 750 ग्राम मटन है जिसमें मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है और ये विथ बोन है, हड्डियों वाला। मटन को जो है हमने भूनना है। मटन को हम तकरीबन 10 मिनट से भून रहे हैं मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में। और आप जैसे देखेंगे यहाँ पे मटन ने अपना जो है वो पानी रिलीज कर दिया है। पॉइंट पे आके हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इस वक्त मैंने इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ, इस ग्लास से 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है मैंने। सॉल्ट ऐड कर लेंगे इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। और जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा इसे हम ढक देंगे। ये देखिए बबल्स आना इसमें शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे लिड से कवर कर लूँगी। फ्लेम को करूँगी लो और मीडियम के बीच में और इसे पकने दूँगी जिसमें ये पूरी तरह से गल जाए। वैसे तो कई लोग इसे प्रेशर कुकर में भी बनाना प्रेफर करते हैं जिससे कि उनका टाइम बच जाए, लेकिन स्लो कुकिंग के मेथड से जो मटन में आपका टेस्ट आएगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसे इस तरह से ढककर स्लो कुकिंग की मेथड से ही बनाएं। लेकिन किसी वजह से आप इसे प्रेशर कुकर में कुक करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आके आप प्रेशर कुक कर लीजिए और उसके बाद अगला स्टेप है वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। हमने मटन को तकरीबन 1 घंटे तक पकाया है। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रही हूँ। स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है यानी आधा घंटा है मैंने इसे लो और मीडियम फ्लेम पे पकाया। उसके बाद जब ये आधा कुक हो गया तो मैंने फ्लेम को ज़रा सा बढ़ा दिया और मीडियम से हाई के बीच में पकाया है। ये देखिए मटन हमारा गल चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 8 से 10 फ्लिट की हुई हरी मिर्चें। तीखा कम खाना चाहते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं या तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो। और साथ ही में ऐड कर लेंगे 4 से 5 टमाटर जिसको इस तरह से बड़े टुकड़ों में काटा है। इससे प्रीवियस रेसिपी में भी मैंने आपको बताया था कि टमाटर को हमने इस तरह से पीसेज में ही रखना है, बड़े पीसेज में, ताकि जब वो स्टीम लग जाए उसमें तो हम उसका स्किन उतार पाएँ। एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। और इसे ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आइए टमाटर के छिलके जो हैं वो उतार लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से इस तरह से छिलके उतर आएंगे अगर आपने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं तो। ये देखिए सारी स्किन हमने उतार ली है और इसे उतारने में हमें मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा है। अब सारे टमाटर को मैश करते हुए चलाएंगे ताकि उनका एक पेस्ट सा बन जाए और सारे जो टमाटर है वो मैश होकर हमारी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और ऐसा करने के लिए भी आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टमाटर अपने आप ही एक पेस्ट फॉर्म में आने लग जाएंगे। इस पॉइंट पर आप उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काले मिर्च पाउडर। ये देखिए
टमाटर के वजह से दोबारा से हमारी ग्रेवी में पानी उतर आया है। वैसे तो नमकीन गोश्त जो होता है वो एक ड्राई डिश है, लेकिन किसी वजह से आप थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से इसे मत ड्राई करिएगा। मैं इसके एक्चुअल फॉर्म में इसे बना रही हूँ, तो जितना ये पानी है इसमें ये एक्सेस वाटर है, मैं इसे ड्राई कर लूँगी। ढकेंगे इसे आखिरी 5-7 मिनट के लिए ताकि जो बचे हुए टमाटर हैं वो भी पूरी तरह से गल के जो पानी है वो ड्राई हो जाए। हमारा सारा जो एक्सेस वाटर है, जो पानी था टमाटर का, वो सूख चुका है। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढकेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे, जिससे कि जो हरा धनिया है उसका भी जो अरोमा है वो हमारी ग्रेवी में उतर आए। तो रेडी है हमारा नमकीन गोश्त, ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।